हाय गाइस, होली के एक और नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और मैं अभी जा रही हूँ होली खेलने के लिए, एकदम तैयार हो गई हूँ। अभी और भी लोग आए हैं, उनसे मैं मिलवाती हूँ कौन कौन आया है जिनके साथ मैं होली खेलने जा रही हूँ। तो ये देखिए, गुलाल वगैरह लेके हम एकदम तैयार हो गए, जा रहे हैं होली खेलने के लिए। तो ये आई हैं अंचल, इधर देखो, हाय करो। हाय अंचल आई है, ये मौसी की लड़की बड़ी वाली, ये भी आई है गुलाल मतलब होली खेलने के लिए। एक और है, और ये हमारे छोटे बंदर जो कि उछल रहे एकदम से, हाय। और दीदी खेलना है, हेलो हैप्पी होली, इधर आओ। एक पीछे बैठी हो, नहीं आ रही, शर्मा रही है। और बैकग्राउंड में कुछ अगर कुछ ऐसा वैसा दिख जाए तो इग्नोर करिएगा। है हमारी छोटी सिस्टर, तो हम सब लोग मिल के अभी होली खेलने जा रहे हैं। ये देखिए, हमारी होली सेलिब्रेट होना शुरू हो गई है। अरे इतना ज़्यादा ज़्यादा ऐसे लगाते हैं, रुको हम बता रहे हैं। ये करो, ऐसे लगाओ, अब तुम बनाओ। ये सब कलर मिक्स कर दे रहा, ये देखो ऐसे लगाओ। मिक्स क्यों कर रहे हैं? अभी सबको कलर लग चुका है, हमारे फोन को भी लग चुका है, लेकिन हमको नहीं लगा है। का हुआ, काहे बलवम भर रही? कम से कम जना की होली खेले हैं हम। ऊक लगाए दे और रंग को उजे दे, तनी तनी लगाए हो। आज जनाई दे रहा होली खेले। हाँ चलो चलो, पापा को लगा, चलो बस। दांत वात एकदम कलर कर दी है, देखो लग दिखाई जनाई दे रहा कि हम है। काला बना दिए पूरा, दांत दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने खूब सारा कलर खेल लिया है, गुलाल खेला है, और अब हम लोग डांस करेंगे। करारी पहर उड़ेगी बहुआ, मैं तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं, सोने की गुठी गले में हार डालूंगी, बावन गज का दामन पैर में टच चाटूंगी, बावन गज का दामन पैर। अभी हम लोग होली खेल चुके हैं और वंस अगेन हैप्पी होली। और बाहर होली सेशन हो चुका है, डांस भी हो चुका है, लेकिन अभी भी ये जो हमारे बंदर इधर आ ये जो है 7-8 पैकेट गुलाल दुकान से लेके इतना खेल चुका है, अभी भी इसका पेट नहीं भरा है। और अभी सब ने अपना छुड़ा लिया, अभी थोड़ा दिखना भी चाहिए कि हम कंचन है। कोई नहीं, अभी हम लोग और एंजॉय करने वाले। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। होली हम खेलेंगे तो सफाई भी हम ही लोग को करना पड़ेगा। चला दिए,
रहा है। तो ये देखो हम लोगों ने अभी जो 2-3 घंटे खूब इंजॉय किया है ना, अभी वो दीदी सफाई कर रही हैं। होली होली खेल के अभी नहा के फिर से तैयार हो गए हैं और आज अभी मैंने पहना है साड़ी। मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील हो रहा है लेकिन दीदी आई है तो दीदी ने बोला पहन लो। ये कुछ ऐसी दिख रही हूँ, कैसी लग रही हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अभी हमारे जीजा जी भी आ गए हैं, बैठे हुए हैं, और हमारी सिस्टर्स जो आई थी बाहर खड़े होके फ़ोटोग्राफी करवा रही हैं, सब फ़ोटो वोटो क्लिक करवा रही हैं। ये लोग अभी जाएंगी, रुकेंगी नहीं, मैंने बोला रुक जाओ यार, बोल रही नहीं। तो अभी ये लोग जाएंगी, कोई नहीं, जाने वालों को कौन रोक सकता है। अभी मैं भी कुछ फ़ोटोज़ बाहर क्लिक करवा लेती हूँ सबके साथ में, और वो सारी फ़ोटोज़ आपको मिलेंगी मेरे इंस्टाग्राम पे। जल्दी जल्दी जाइए इंस्टाग्राम पे, फॉलो करिए मुझे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और अंचल और मोनी अब इनको बोल रहे हैं ना जाओ, लेकिन ये लोग अभी इवनिंग हो गई, मतलब इवनिंग क्या शाम होने वाली है, सनसेट हो गया है, फिर भी इन लोगों को जाना है, कोई नहीं, जाने वालों को कौन रोक सकता है। हम जल्दी जल्दी फ़ोटो क्लिक करवा लेते हैं, बाकी फिर अलविदा कर देंगे। हम और दीदी नहा धो के तैयार होके फिर से जा रहे हैं, मतलब फिर से तैयार हो गए हैं, अभी जा रहे। बगल में एक आंटी हैं जो बहुत ज़्यादा याद करती रहती हैं ना, बहुत ज़्यादा मिस करती हैं दीदी को भी, हमको भी। तो दीदी तो कभी कभी आ जाती हैं, मिल लेती हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो इसलिए हमने सोचा चलते हैं मिल लेते हैं। और एक साल हो रहा है, आई थिंक 1 साल हो गए हैं, और होली है तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मिलने का, तो इसीलिए चल रहे हैं। और उसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है, मतलब वो तो बहुत ज़्यादा मानती हैं लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग बात है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हम आ गए हैं आंटी के यहाँ, और आंटी खूब सारा कलर वलर खेल के आई है गांव से, पूरे कलर वलर लगे हैं आंटी को। और जो मैं बताने वाली थी वो ये है कि मैं जब छोटी थी तो एक्चुअली में क्या है, आंटी के सिर्फ 2 लड़के हैं, लड़कियाँ नहीं हैं, एक लोग की शादी हो गई और भाभी अभी है नहीं तो मिल भी नहीं पाए। और ये था कि जब मैं छोटी थी तो आंटी ने बस ऐसे मजाक मजाक में बोला था, आपने ये बोला था ना कि हम अडॉप्ट कर लेते, मतलब गोद ले लेते हैं हमको, तो आंटी ने वही बोला था। तो मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं घर ही नहीं आती थी, मिलती ही नहीं थी। सही है ना। और आज तो मतलब मैं आती नहीं थी, अभी कुछ मतलब जब से समझदारी हुई है तब से मैं आने लगी हूँ। और आंटी जो आंटी सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन बहुत प्यार करती हैं मुझे। और आंटी भी मेरे ना सारे ब्लॉग देखती हैं, और यहाँ पे गांव है तो गांव में जानते हैं आपकी, पहले इनको पता नहीं था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कंचन मूवी में काम करने लगी है, आप ही बताइए क्या बोल रहे थे सब लोग। बात किया, लोग इसी तरह कहने लगे, भैया हमको पता नहीं था लेकिन मेरा छोटा लड़का आया, उनने मुझे बताया सब बात तो हमें पता चला, सबका बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैंने लाइक भी करने तो आंटी ने, मैंने देखा आंटी ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, डेली मेरे ब्लॉग देखती हैं। और आंटी अभी मुझे अप्रिशिएट भी करती कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, बहुत आगे जाओगी और भी अच्छा करो। हाँ। तो एक मोटिवेशन मिलता है और घर वालों का साथ मिलता है तो और भी ज़्यादा। और ये हमारे बंदर, बोलो। हेलो, आ गया मैं। कहाँ आ गए? नानी के पास। कुछ खाए कि नहीं? हाँ। क्या खाए हो? क्या खाए हो? पकौड़ी चिप्स। चिप्स नहीं खाए, चिप्स पापड़। और दीदी भी हैं, दीदी पीछे शीशे में दिख रही हैं, बाकी सामने बैठी हुई है। तो अभी थोड़ी देर हम यहाँ पे और रहने वाले हैं, अंकल भी हैं, लेकिन अंकल अभी खूब सारा रंग वंग लगा के आए थे तो अभी वो नहा रहे, तो नहा लेंगे तो फिर पॉसिबल होगा तो हम अंकल से भी मिलवाएंगे। और एक चीज़ मैं और बता देती हूँ कि मेरे जो सगे अंकल हैं, मतलब सगे चाचा हैं 2 लोग, वो उनसे भी ज़्यादा अच्छे, मतलब इतना ज़्यादा आंटी प्यार करती है। अगर मैं आई हूँ घर बिना मिले चली जाती हूँ तो मुझे डांटती भी है। दुख होता है भाई, देखो अब तो देखने को तरस गई है, छोटी थी तो मैंने खिलाया सब किया और गोद लेने को भी तैयार हो गई थी। तो अभी थोड़ी देर और रुकेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से घर के लिए। बाकी आप लोग व्लॉग एंजॉय करिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। ये देखिए वंश पढ़ाई कर रहा है, वंश क्या लिख रहे हो? तीन अक्षर शब्द। क्या लिख रहे हो? तीन अक्षर वाला शब्द, लेकिन आप जो बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है, क्या क्या लिखे हो पढ़ के सुनाओ। नर, पढ़ के सुनाओ। नर, नर। और ये चल, चल।
और ये क्या है ये चगला ये त्रिशूल लिखा है ना क्या लिखे हो हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या लिखे हो ये देखिए इन्होंने क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोग को आ रहा हो तो बताइएगा अच्छा ये क्या लिखे हो अभी नहीं खगमा की खमग इधर देखो क्या लिखे हो खमग और ये ना ना ये बताओ टीवी चला के कौन पढ़ाई करता है भाई कोई नहीं तुम करते हो ऐसी पढ़ाई नाना लोग देख रहे नाना देख रहे नाना तो खाना खा रहे हैं टीवी बंद करो टीवी में ध्यान है कि पढ़ाई में है बताओ इनको ये टीवी चला के पढ़ाई कर रहे इधर देखो इतना माइंड इनका तेज है कि टीवी चला के भी पढ़ाई कर ले रहे ना खाना नहीं खाना है हमारा वंश अच्छा है ना पढ़ाई करता है डेली कल हाथ में नहीं चलाओ इधर देखो चलो खाना है चलो ठीक है बंद करो फिर कहाँ तक अभी वंश की पढ़ाई कंप्लीट हो गई और वंश ने खाना खा लिया मैंने भी खा लिया वंश अभी सो गया है और घर पे भी सब लोगों ने खाना खा लिया है सब लोग सोने गए और अभी मैं भी सोने जा रही हूँ तो आई थिंक आपको आज का ये शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग अच्छा लगा होगा आज का ये शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विलेज की वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।